नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भरत के डॉग्स में। तो मुझे अभी घर आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो अभी मैंने अपने डॉग्स को खाना दिया है रात के टाइम पे, और मेरे डॉग्स का भी डिनर चल रहा है, तो तीनों काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना। और ये अपना सेरा, और उधर पे है वो डॉली, वो रही अपनी डॉली। और ये रहा अपना डब्बू। तो दोस्तों, आजकल हमारे खेतों में ये गेहूं की फसल बोई हुई है, तो कैमरे पे भी मस्त सा व्यू आ रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन सा। तो अभी मेरे डॉग्स ने खाना ख़त्म किया है, तो ये अपने काम पे अब लग चुके हैं जो इनका काम होता है अब। और डॉली लेट लती थी, इसने अभी तक अपना खाना फिनिश ही नहीं किया। तो बाकी सेरा और डब्बू गए हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ रात के टाइम पे जंगली सुअर और तेंदुए का तो डर है ही वैसे भी, तो जंगली सुअर रात में खेतों को नुकसान पहुँचाने के लिए आ जाता है। तो बाकी सेरा और डब्बू चेक कर रहे हैं आगे सब नॉर्मल है या नहीं। और ये अपने डब्बू और सेरा भी आ गए वापस। तो अभी सेरा चले गया है नीचे। वो रहा सेरा। तो दोस्तों, वहाँ हमारी गौशाला है, गाय रहती है वहाँ। तो सेरा पूरी अपनी टेरिटरी को चेक करता है। तो ये रहा अपना डब्बू। तो तीनों डॉग्स मेरे अलग अलग जगहों से पूरे गार्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कहीं से कुछ होगा तो एक भौंकेगा तो दोनों के दोनों फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो बाकी ये अपना शेरा। तो दोस्तों, अभी हल्की सी लेपर्ड की आवाज़ आई ना, तो शेरा ने सुन लिया, बाकी ने नहीं सुना। तो शेरा एकदम तुरंत भाग गया वहाँ से, और सीधे आवाज़ का जहाँ से आवाज़ आई वहीं भाग गया वो एकदम तुरंत। ये देख रहे हो आप कहाँ भाग गया, सबसे आगे, फिर डॉली। तो डब्बू ने तो कुछ सुना नहीं, तो डब्बू वहीं ऊपर पे है अभी, और दोनों के दोनों भाग गए उधर आगे। शेरा इधर आ, आजा। तो यार ये ऐसे ही भाग जाता है अकेले, और डब्बू को कुछ पता ही नहीं, हल्की सी लेपर्ड की आवाज़ आई थी ना। तो अब ये शेरा भाग रहा है ना आगे, तो फिर सब के सब इसी के पीछे भागने लग जाएंगे। अब देख रहे हो इसको, अब इसने लेपर्ड की आवाज़ सुन ली, फिर डब्बू भी भाग गया, डॉली भी भाग गया, अब तीनों के तीनों भाग गए। तो सबसे आगे अभी चल रहा है सेरा, फिर उसके बाद डब्बू, और पीछे है डॉली। तो भाई अब ये तीनों के तीनों सीधे जाएंगे जहाँ से लेपर्ड की आवाज़ आई थी। तो मुझे तो लग रहा है जंगल की तरफ के लिए भाग गए तीनों के तीनों। तो दोस्तों, मैं अभी चलता हूँ इनके साथ। मैं कभी भी अपने डॉग्स को अकेला नहीं छोड़ता हूँ जब मेरे डॉग्स डेंजरस जगह पर जाते हैं। तो बाद में जो भी होगा फिर वो बाद की बात है, वो देखा जाएगा। तो अभी मेरे डॉग्स सीधे जंगल की तरफ के लिए भाग रहे हैं, और ये आगे चलते ही जा रहे हैं। तो देखते हैं ये कहाँ के लिए जा रहे हैं। तो भाई मैं भी इन्हीं के साथ जाऊंगा अभी, ये कहीं वरना दूर ना चले जाएं फिर। डब्बू सेरा आजा। तो भाई ये आएंगे नहीं अब, जब तक ये इनको तसल्ली नहीं होगी ना तब तक ये अब आने के ही नहीं। तो दोस्तों, ये तीनों के तीनों चले गए हैं जंगल की तरफ के लिए। तो देखते हैं यार ऊपर ये कहाँ, कितने ऊपर जा रहे हैं, ये रुक भी नहीं रहे। तो कुछ भी हो सकता है यार ऊपर, खतरा, हमें कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है हमारे साथ।
तो डॉग्स तो दिख ही नहीं रहे हैं अब यहाँ, तो वो सामने हमारा घर है। तो शेरा यहाँ नीचे है झाड़ी के पास, और सामने सामने डब्बू पता नहीं कहाँ जा रहा है आगे की तरफ के लिए। तो यहाँ कुछ भी हो सकते हैं यार जंगली जानवर। तो डॉग्स ऊपर भागते ही जा रहे हैं, शेरा भी भाग गया वहाँ ऊपर। अब शेरा डबू रुक जा, इधर आ। जो डॉग्स है ना तो ऊपर ही जा रहे हैं वो, और रुक भी नहीं रहे हैं। तो बाकी हम यहाँ पूरे जंगल में पहुंच गए हैं, तो देख सकते हो यार आप यहाँ। और डॉग्स पता नहीं कहाँ चले गए ऊपर, कुछ दिख ही नहीं रहा उधर तो अब। तो दोस्तों ये सब शेरा की वजह से होता है यार, जब इस शेरा को कुछ सुनाई देता है ना तो सीधे जंगल की तरफ ही भागता है। और जब डब्बू डॉली को नहीं भी जाना हो तो ये शेरा सबसे आगे भागता है, फिर वो उसके पीछे भाग जाते हैं। तो यार फाइनली डॉग्स आ गए हैं, तो पता नहीं कहाँ चले गए थे ऊपर। तो ये तो दो ही हैं, एक कहाँ गया, डॉली कहाँ चले गए। ओ भाई डॉली को लेपर्ड ने तो नहीं पकड़ दिया वहाँ, कहाँ चले गए डॉली। शेरा तो ये रहा, डब्बू ये रहा, डॉली कहाँ है। अरे डॉली तो आई नहीं, डब्बू ये रहा, डॉली कहाँ चले गई। अरे ये तो रही डॉली यार, पता नहीं कहाँ से आ गई ये हमारे सामने। तो मुझे लगा डॉली को लेपर्ड ने पकड़ दिया यार, वहाँ दिखी नहीं इतनी देर तक। तो दोस्तों वो रहा हमारा घर, नीचे पे दिख रहा है। चलो चलो घर चलो, घर चलो चलो जल्दी चलो, चल चल मैं भी आ रहा हूँ, चल जल्दी चल चलो चल घर चल। तो दोस्तों मेरे डॉग्स को ना जहाँ से भी लेपर्ड की आवाज़ सुनाई देती है ना तो ये सीधे भाग जाते हैं फिर, तो फिर ये सीधे जंगल ही भाग जाते हैं जहाँ से आवाज़ आती है। इसलिए मैं इनको छत में रखता हूँ ना, फिर वहाँ से ये भाग नहीं पाते हैं। तो शेरा तो इतना वो है ना, तो छत से भी कूद मार ही देता है भाई फिर भी। और जिस दिन ये अकेले ही भाग गया ना वहाँ से, तो उस दिन तो इसका आखिरी दिन होना फिर। चलो जल्दी चलो फटाफट, तो दोस्तों फाइनली डॉग्स आ गए यार बड़ी मुश्किल से घर। चलो छत में चलो, सीधे छत में चलो, चल डब्बू शेरा चलो, डॉली चल जल्दी चल। तो भाई अब मिली इनको शांति पूरी पूरी, पता नहीं कहाँ से जंगल का चक्कर मार के आ गए। तो अब ये भागेंगे नहीं, अब ये यहीं पे रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।